अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए। आज हम बात करेंगे डैम ऑसिलेशन या डैम्प की बात करेंगे। डैम क्या होता है और डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्पिंग क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही हल्का सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एफएससी में जाके इसको डीपली पढ़ना ही। तो कोई भी ऑसिलेशन है या एसएचएम है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फ्रो मोशन होता है, जिसमें बॉडी आगे पीछे मूव करती है। अब अगर क्या ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि सिंपल पेंडुलम है, या मेन मोशन ऑफ मेस अटैच टू अ स्प्रिंग है, इनका मोशन क्या हमेशा कायम रहता है? ऐसा कभी नहीं। जैसे अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग मेस स्प्रिंग सिस्टम रहे, तो मेस स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता। इसी तरह कोई पेंडुलम रहे हमारे पास, तो पेंडुलम का जो मोशन है वो भी एसएचएम है, लेकिन ये भी हमेशा नहीं रहता, तो ये मोशन भी थोड़े टाइम के लिए होता है। तो अभी हमने पढ़ा तो बड़ा डिटेल के साथ, लेकिन अभी हमने उसका मतलब जो खामियां है या यूं कहने उसका निचोड़ हमने निकाला कि ये मोशन तो होते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं होते। तो जब तो डैम्पिंग या डैम्प ऑसिलेशन इसको कहते किस क्यों है। अब तमाम ऑसिलेशंस देखिए, कुछ ऑसिलेशंस ज्यादातर डैम्प ऑसिलेशन हमें देखने को मिलते हैं हमारे डेली लाइफ में। मोशन ऑफ मेस अटैच टू अ स्प्रिंग, ये भी डैम्प ऑसिलेशन करता है। सिंपल पेंडुलम है, ये भी डैम्प ऑसिलेशन करता है। तो डैम्प ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का वो ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी सिस्टम का वो ऑसिलेशन। देखिए कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे ये बॉब ये स्ट्रिंग मिलके और इसका वेट और टेंशन सारे मिलके एक सिस्टम बना दिया, जिस तरह ये मेस स्प्रिंग और इसमें जो मौजूद फोर्स है या इसका वेट है, तो इसको बोलते हैं मेस स्प्रिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? मेस स्प्रिंग सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लफ्ज यूज किए गए हैं डैम्प ऑसिलेशन के, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का वो ऑसिलेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, अगर किसी सिस्टम का ऑसिलेशन होता है, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर कोई सिस्टम किसी एक रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, तो हम कह देते हैं कि वो जो ऑसिलेशन है वो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन जो है टू एंड फ्रो। तो मैं सारा डेफिनेशन पे आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ बार बार लाइट भी नहीं है, हम फ्लैश लाइट से काम चलाते हैं। ठीक हो गई, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, ऑसिलेशन of a system, किसी भी सिस्टम का वो ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इन द, अब मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा कि रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन, इसको हम कहेंगे डैम्प ऑसिलेशन। अब बात समझे कि सिस्टम का ऑसिलेशन कर जाना किसी एक रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में होता क्या है, कि अगर हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ये कोई सिंपल पेंडुलम रहता है, इसको हम टू एंड फ्रो मूव करते हैं। अब अगर ये इसको हमने डिस्प्लेस किया तो ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, लेकिन इसके पास में मौजूद क्या है, एक पार्टिकल यानी रेजिस्टिव फोर्स है कि नहीं, सम रेजिस्टिव फोर्स है, एयर की फोर्स है, एयर की फोर्स को ड्रैग फोर्स बोला जाता है, मतलब कोई एक ड्रैग फोर्स है यहाँ पे, या यू कहते हैं रेजिस्टेंस है, इसको शो कर दिया एम्पलीट्यूड, तो इसका मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो। अब अगर ये एसएचएम कर रही है ये सिंपल पेंडुलम, तो इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग डैम्पिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ आर ऑसिलेटिंग बॉडी डिक्रीजेस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस।
डिग्री एचएम द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जो डैम्पिंग के दौरान जो कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, एम्पलीट्यूड कम होने लगता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा दूर तक वो ऑसिलेट नहीं कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता। आप किसी चीज को जुलाए जुला के रखते हो फिर वो रुकने की वजह क्या है, वो अपनी एनर्जी जाया कर देता है। किसके साथ, आस पास मौजूद एयर पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं। ये अंदर जबरदस्त बात है, आस पास जो पार्टिकल है इनको साथ कोलिजन देखने को मिलेगा और उस कोलिजन की वजह से ये अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा, जाया करेगा। डिसिपेट मींस जाया करेगा। और साथ साथ जहां पे ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग यहां से फिक्स्ड होगी और ये फिक्स होने की वजह से इसमें क्या रहता है, इसमें चलो फिक्स होने की वजह से, अच्छा ये फिक्स होने की वजह से यहां रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन होती है। क्या होती है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो इस फ्रिक्शन की वजह से इसका एम्पलीट्यूड और इसकी एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, डिसिपेट होती है, जाया हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मतलब इसका शुरू में मान लीजिए जहां तक जा रहा है x मान, बाद में ये यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगा। देखिए एम्पलीट्यूड कम हो रहा, अगर इसको वेव की सहायता से छोड़ वेव पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे साइकिल कैसे बनता है, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैं इस तरफ ही बना रहा हूँ, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वेव के, वेव में ये मीन पोजिशन को बताता है, ये किसको बताता है, मीन पोजिशन। इससे ऊपर जितनी लाइन जाएगी इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा रहेगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ये है। अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड, ये कम किया मैंने, ये थोड़ा और कम किया, ये थोड़ा और कम, और कम, और कम, तो मतलब ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इस तरह की, इस तरह की ग्राफ आपके बुक में लिखी बनी होगी, ये आपका डैम्पिंग का ग्राफ है, ये क्या है, डैम्पिंग का ग्राफ है। डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखे पहले में एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, दूसरे में यहाँ तक, फिर इससे यहाँ तक, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे ये कम, तो एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है डैम्पिंग में ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो जाया हो जाती है, जाया होने की वजह से फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसका ऑसिलेशन किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड का डिक्रीज कर जाना, ये क्या है आपके पास, डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग तो रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो वो डैम्प ऑसिलेशन होता है, लेकिन डैम्पिंग में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ये लफ्ज अपने पास लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन डैम्पिंग, इन आहिस्ता आहिस्ता, इन डैम्पिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, वो क्या हो सकती है, एयर की रेजिस्टेंस हो सकती है और इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जैसे फ्रिक्शन हो सकती है। इसलिए हम एसएचएम में बोलते थे सिंपल पेंडुलम में क्या बोलते थे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में हम बोलते थे कि कोई बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, कि यहां से ये स्पोर्ट फिक्स होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, या वहां और ये एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो यह जो है वो सिंपल पेंडुलम कर, अदरवाइज वो सिंपल पेंडुलम नहीं है। और सिंपल पेंडुलम हालांकि हमारे रियल लाइफ में होती नहीं है, वो एक आइडियल केस है, मतलब इमेजिनरी केस है, ख्याली पेंडुलम है, लेकिन बाकी जो पेंडुलम होते हैं वो रियल होते हैं, उनमें एनर्जी डिसिपेट होती है, उनमें फ्रिक्शन होती है, उनमें एयर रेजिस्टेंस होती है। तो सिंपल पेंडुलम में ये चीजें जीरो होनी चाहिए तभी हो सकता है,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसके बाद हम वेयर्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट ना होने की वजह से काफी डिस्टर्बेंस होगी हमारी वीडियो में भी।